प्रभास की राधेश्याम साहू और हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी जिसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। बाहुबली के बाद प्रभास की ये तीन फिल्में थिएटर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, पर एक मूवी तो आने वाली 7 पुश्तों तक याद रखी जाएगी। मरना क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। जिएंगे भी उन्हीं के साथ, मरेंगे भी उन्हीं के साथ। बोलने वाले प्रभास के जबरा फैंस अब ये बोल सकते हैं, देखो देखो वो आ गया, वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। महेश दत्त प्रभास की मच अवेटेड मूवी सलार का टीजर आ चुका है और ये टीजर सुबह 5 बजे आया है। इस मूवी की हाइप का आइडिया तुम यहां से लगा सकते हो कि 1.5 लाख लोग सुबह 5 बजे आधे घंटे पहले इस टीजर की वेटिंग लिस्ट में आ चुके थे। कमेंट्स में गालियां मत देना, पर इस हाइप के पीछे सिर्फ प्रभास नहीं है। ये मूवी KGF यूनिवर्स का पार्ट है, ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं आई, पर इसके डायरेक्टर प्रशांत नील है जिन्होंने KGF मूवी डायरेक्ट की थी। इसके अलावा एक्शन डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बैकग्राउंड स्कोर, सिंगर तक वो है जिन्होंने KGF की दोनों मूवीज में काम किया था और अब सलार में भी वही है। अगर आपको अभी भी 50-50 लग रहा है तो ये मोहतरमा को आपने KGF में देखा होगा, ये सलार में प्रभास की माताजी का रोल प्ले करने वाली हैं। और KGF में इनका एक बेटा भी था, तो बाकी तुम खुद भी समझदार हो। वापिस आते हैं टीजर पे। ये टीजर हमको हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इनमें से किसी भी लैंग्वेज में ना दिखाकर इंग्लिश में दिखाया गया। इसका सीधा सा कारण है, 1.5 मिनट के टीजर को 4-5 लैंग्वेज में कट करके अलग अलग चैनल पे अपलोड करने से अच्छा है एक इंग्लिश डायलॉग वाले सीन को उठाओ, उसका टीजर बनाओ और एक ही चैनल पे अपलोड कर दो। पैसा भी बचेगा और टाइम भी। ये टीजर देखने के बाद तुमको KGF की याद आएगी, क्योंकि इसमें सेम वैसे ही सीन है जैसे KGF में थे। करेक्टर की बॉडी के साथ कैमरा की मूवमेंट, भारी भरकम डायलॉग और एक डायलॉग सुनकर सामने वाले की फटना, और इसका टोन भी तुमको वैसा ही डार्क दिखाई देगा जैसा KGF में था, जो कि हर बार काम नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे कब्जा देखी, नहीं देखी जाकर देखो, ऐसा लगेगा KGF की 3rd कॉपी देख रहे हो। टीजर में प्रभास की लुक को अभी के लिए नहीं दिखाया, पर ये सीन देखकर मेरे दिल से एक ही आवाज निकली, अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? क्योंकि इसके एक्शन डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने KGF में काम किया था, तो इसके एक्शन भी वैसे ही होंगे जैसे KGF में थे। पहले स्लो मोशन, फिर अचानक से फास्ट, जो कि मैं इतनी बार देख चुका हूं कि मुझे अब ये ओके ओके लगता है। पर इसमें एक चीज है जो KGF की याद नहीं दिलाती, वो है इसका म्यूजिक, जो कि KGF से काफी डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट करने के लिए एक लाइक तो बनता है मेरी वीडियो पे। कोई तरीका है भीख मांगने का? ओवरऑल मैं इस टीजर को ओके प्रोडक्ट बोलूंगा, क्योंकि पहले पूरी बात सुन लो। टीजर हमको कभी भी मूवी की कहानी कैसी होगी, कैरेक्टर्स की लुक कैसी होगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताता। टीजर का काम होता है कि हमको मूवी का 1% दिखाए, जिसको देखकर हमारे दिमाग में अलग अलग थ्योरीज और दिल में एक उम्मीद आती है कि ये वही है जो मैं देखना चाहता था। पर जब इसका ट्रेलर आता है तब हमारे आंखों पे लगी हुई धूल धीरे धीरे हटने लगती है, और जब थिएटर में जाकर फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो हमारे दिल और दिमाग दोनों तरफ से सिर्फ गालियां ही निकलती हैं। इसलिए मैं अपनी एक्साइटमेंट को अभी के लिए कंट्रोल में रखूंगा और ट्रेलर का वेट करूंगा और देखूंगा क्या मुझे सलार में कुछ नया देखने को मिल सकता है जो मैंने KGF में नहीं देखा। अगर तुम सलार का टीजर देख चुके हो तो अपने विचार कमेंट्स में बताना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।